विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में फिर से तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। आपदा के एक महीने बाद 1500 यात्रियों ने बाबा के दर्शन किए। बता दें कि 31 जुलाई को भारी बारिश के चलते केदार घाटी में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ी टूटने, नदी नालों के उफान पर आने से भारी नुकसान हुआ था। वहीं एक महीने बाद केदारनाथ धाम के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। हालांकि सरकार द्वारा हेली सेवा के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच सड़क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त होने से वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। संबंधित भागों की जेसीबी पोकलैंड मशीन लगातार सड़क बनाने लगी है। इधर केदारनाथ पैदल यात्रा पर भी टूटे रास्तों को युद्ध स्तर पर ठीक करने में मजदूरों की टीमें कार्य कर रही हैं। पैदल मार्ग से भी श्रद्धालु धाम पहुंचने लगे हैं, जो कि यात्रा के लिए राहत वाली खबर है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट।